मैम आपकी वॉल्यूम फुल है। मैं देखती हूँ बेटा। अब देखो, आई होप अब पूरी होगी वॉल्यूम, राइट? तो यस वायरसेस, मैम अब ठीक है। वायरसेस, स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। टर्म वायरस कॉइंड बाय इवेनोस्की। टर्म वायरस वॉज कॉइंड बाय इवेनोस्की। टर्म वायरस मीन्स पॉइजन। लैटिन वर्ड है वायरस, इसका मतलब है पॉइजन, और इसकी स्टडी को वायरोलॉजी, और टर्म वायरस किसने दिया था? इवेनोस्की ने दिया था। है क्या है वायरसेस बेटे? नॉन सेलुलर है, सेल्स नहीं है ये। किसका बना है? आउटर प्रोटीन कोर एंड इनर न्यूक्लिक एसिड कोर। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं अतिभा? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स बताओ जल्दी से, कौन कौन से है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं ना, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स है, कौन से हैं? गुंजन आप बताओ, हरगुन यू टेल मी, सरगम, मैम, राइबो एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए, सिंपल है ना, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड। तो वायरसेस के सेंटर में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और बाहर प्रोटीन है, ठीक है? अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर, सराउंडेड बाय ये प्रोटीन कोट। सिंपल है, कोई इनका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई इनके पास एंजाइम्स नहीं है। तो जब ये होस्ट से बाहर पड़े हैं, तो जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, नॉन लिविंग है, कुछ नहीं करते, ठीक है? बट व्हेन दे एंटर इनसाइड द लिविंग सेल्स, दे यूज दे आर इंटेलिजेंट, दे यूज द होस्ट मशीनरी। हमारी एनर्जी ले रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, सब कुछ हमारा लेके हमारे ही सेल्स को नुकसान कर रहे हैं, एंड रिप्रोड्यूस टू फॉर्म मेनी मोर वायरसेस। दे यूज अवर मशीनरी ओनली, होस्ट मशीनरी, होस्ट मेटाबोलिज्म, एंड रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, फॉर्म वन वायरस फॉर्म मेनी कॉपीज ऑफ इट्स ओन, राइट? बट अगेन व्हेन दे कम आउटसाइड द होस्ट सेल, दे एक्ट एज नॉन लिविंग। अब बात आ जाती है कि न्यूक्लिक एसिड्स कौन से है। जैसे हमारा सेल है, हमारे में तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और वो आरएनए बनाता है। तो हमारे सेल्स में क्या है? बोथ, हमारा सेल हो बैक्टीरिया का सेल हो, क्या है? बोथ आरएनए एंड डीएनए। वेयर एज इन केस ऑफ वायरसेस देयर इज ओनली वन न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, कभी भी दोनों न्यूक्लिक एसिड्स नहीं है। दे हैव ओनली वन न्यूक्लिक एसिड, आइदर आरएनए और डीएनए, ठीक है जी? तो यही मैंने यहाँ पे बताया, ये तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जी, यहाँ आप लिख सकते हो टर्म वायरस कॉइंड बाय इवेनोस्की। दीज आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती, ऑल्दो आपकी बुक में ऑर्गेनिज्म लिखा है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थोड़ी है जो हम इनको ऑर्गेनिजम्स है। दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स विच आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड लिविंग होस्ट सेल, बट दे प्रोड्यूस इनसाइड लिविंग होस्ट बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी। दे आर फॉर्म्ड ऑफ, या कहेंगे हम और, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स, हम इनको न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स? क्योंकि दीज आर फॉर्म्ड ऑफ इनर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आइदर डीएनए और
आरएनए एंड आउटर कोट ऑफ प्रोटीन. नो मेटाबोलिज्म ऑफ देयर ओन, दे यूज होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर रिप्रोडक्शन. न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी आरएनए और डीएनए बट नेवर बोथ. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम देखें तो प्लांट वायरसेस है उनमें आरएनए होता है, बैक्टीरियोफेजेस इसमें डीएनए है, एनिमल वायरसेस कैन बी आरएनए और डीएनए. किसी एनिमल वायरस में किसी में आरएनए है और किसी में डीएनए है. ठीक है, तो पहले जो है आप ये लिखो और फिर हम आगे करते हैं. इवेनोस्की वर्कड ऑन टोबैको मोज़ेक डिजीज. टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज्ड बाय टीएमवी, कॉज्ड बाय टीएमवी दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है जी, फिर ये लिख लो, फिर ये आगे का. तो बेटा ये अब एक बॉक्स में लिखना है. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्सेप्ट वायरसेस. रेड पेन हो तो उससे लिखना है. एक्सेप्ट वायरसेस विच हैव आइदर डीएनए और आरएनए. पहली बात. दूसरी है, डीएनए इज Always double stranded, DS या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, double stranded. Except some viruses, not all viruses, except some DNA viruses. Which have single-stranded DNA, such as हमने अभी यहां भी लिखा हुआ है ZyX174 and Coliphage FP. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, जो आरएनए होता है, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड. एक्सेप्ट रियोवायरसेस, विच हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है जी, लिख लो फटाफट से, राइट डाउन इन ए बॉक्स. ठीक है, उसके बाद एक और चीज लिखवा दूं, फिर आप टाइम ले लेना अगर आपको चाहिए होगा. नेक्स्ट आ जाता है वायरल न्यूक्लिक एसिड ओनली. ध्यान से, वायरसेस किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का, बट वायरल न्यूक्लिक एसिड ओनली
enters in host cell. सिर्फ यही एंटर करते हैं. देयरफोर द न्यूक्लिक एसिड पार्ट ऑफ वायरसेस इज इन्फेक्शियस एंड नॉट प्रोटीन कोट. यही डिजीज करता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट नहीं. ठीक है जी, राइट. उसके बाद प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इज प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्ट किसको करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को. And is called as, क्या बोलते हैं इसको? कैप्सिड. वायरल कोट को बोलते हैं कैप्सिड. ठीक है, कैप्सिड इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स. क्या बोलते हैं इनको? कैप्सोमियर्स. ड्यूरिंग इंफेक्शन सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर गया, कैप्सिड का क्या हुआ? कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड द होस्ट. और वो वहां पे, मतलब बाहर होस्ट सेल से बाहर रह के वो धीरे धीरे मर जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता. ठीक है, सो राइट डाउन दिस पॉइंट. एक पॉइंट और लिख ले, फिर बस खत्म हो जाएगा, मेरा मतलब स्ट्रक्चर का खत्म हो जाएगा. इन एनिमल, प्लांट वायरसेस में नहीं, इन एनिमल वायरसेस कैप्सिड इज फर्दर कवर्ड बाय एनवेलप. बैक्टीरियोफेजेस में और फाइटोफेजेस में नहीं, एनिमल वायरसेस में एनवेलप फॉर्म्ड ऑफ किसका बना है? फॉर्म्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इनका बना हुआ. ठीक है जी, सो therefore, plant viruses and bacteriophages, जो viruses bacteria को infect करते हैं, are called as naked viruses. उनको क्या बोलते हैं? नेक्ड वायरस. वेयर एज एनिमल वायरसेस आर, क्या बोलेंगे उनको? एनवेलप्ड वायरस. चलिए ठीक है,
तो मेन जो सभी वायरसेस में कॉमन है वो है न्यूक्लिक एसिड कोर एंड प्रोटीन कोट, बट एनिमल वायरसेस में एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एनवेलप, राइट। चल ये लिखिए, नेक्स्ट हम मैंने बताया भी है बट दोबारा से एक अलग लिख लें, टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन होस्ट, जिन होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं। सबसे पहले है प्लांट वायरसेस, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फाइटोफेजेस वायरसेस, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फेजेस। फेज मतलब वायरस। सेकंड है एनिमल वायरसेस, जूओफेजेस। थर्ड है बैक्टीरियल वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी वायरसेस, which infect blue green algae, cyanophages, next hai fungal viruses which infect fungi, mycophages, ye main viruses। उसके बाद एक और टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लिक एसिड कोर, एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड कोर। तो हमारे पास दो मेन टाइप के वायरसेस है, डीऑक्सीराइबो वायरसेस जिनको हम डीएनए वायरसेस भी कह सकते हैं, और दूसरे टाइप के वायरसेस है राइबो वायरसेस और आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस मैंने आपको बताया, दे कैन बी डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस मेनली, और दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस 5X174 कॉलीफेज FB, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कौन से आ जाते हैं बेटा, CAU कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, बैक्टीरियोफेजेस, हेपेटाइटिस बी वायरस,
पोलियो वायरस, देन अनदर इज, और कौन सा मैंने बताया था, पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, ये सब क्या है, ये तीन, ये देखो हेपेटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, पॉक्स वायरस, ये सब एनिमल वायरस है, ये बैक्टीरियल वायरस है, ये दो प्लांट वायरसेस है, ठीक है। राइबो वायरसेस, थोड़ा सा इधर करके लिख दो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस मोस्ट कॉमन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस फ्यू, दिस इज रियो वायरस, एक आ जाता है बेटा वुंड ट्यूमर वायरस, उसके बाद है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, प्लांट वायरसेस सच एज टोबैको, मोज़ेक वायरस, पीएमवी, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस मैंने आपको लिखवाई दिया है, और कौन से है, नेक्स्ट इज HIV, which causes AIDS. Another is Epstein-Barr virus. Another is Rouse sarcoma virus. Another is इन्फ्लुएंजा वायरस, और आजकल क्या है, कोविड 19, दैट इज ऑल्सो द आरएनए वायरस, राइट। सो राइट ऑन दीज, ये याद ही करना है, बताने वाला तो कम है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, लर्न इट, ठीक है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट इज History of viruses. So first आ जाता है, the viruses were discovered by Ivanovsky. Viruses were discovered by Ivanovsky. Who observed that even the extract of the infected tobacco plant by TMV. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. ma'am एक बार repeat कर दो sentence दोबारा. The viruses were discovered by Ivanovsky. Who observed that? Even the extract of the infected tobacco plants, diseased tobacco plant, if sprayed on the healthy plants, can cause the disease. Stanley crystallized TMV. Crystallized or obtained in pure form.
मेंडल ने ऑब्टेन्ड प्योर फॉर्म ऑफ या क्रिस्टलाइज द फर्स्ट वायरस पीएमवी, न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस नेचर, न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ वायरसेस, न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ वायरसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय Borden and Peary, by Borden, B-A-W-D-E-N, Borden and Peary, was discovered by न्यूक्लियो की वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने हुए किसने डिस्कवर किया, Borden and Peary. Next है Hershey and Chase. Hershey and Chase confirmed that it is the DNA of bacteriophages. It is the DNA of the bacteriophages which acts as the genetic material. मतलब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फ्रैंकल कॉनरैड, फर्स्ट डिस्कवर्ड RNA viruses. ठीक है जी. हमारे पास टाइप ऑफ वायरसेस based on their functioning. कैसे है? First है DNA, RNA viruses. इसका क्या मतलब है? ये नहीं कि इन viruses में दोनों है. DNA, RNA viruses means DNA of virus, ये क्या करते हैं? Transcription. To form mRNA. और mRNA इनकी क्या होती है? Translation. To form viral proteins. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन्स बने. दूसरे आ जाते हैं बेटा आरएनए वायरसेस सच एज पीएमवी, इन विच वायरल आरएनए फॉर्म्स एमआरएनए विच फॉर्म्स वायरल प्रोटीन. इसमें डीएनए है ही नहीं. थर्ड आ जाते हैं बेटा
रेट्रोवायरसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रो वायरसेस सच एज, एग्जाम्पल हम बता रहे, सच एज HIV, एप्स्टीन बार वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, पूरा लिख लेना, एप्स्टीन बार वायरस, राउस सार्कोमा वायरस। तो रेट्रोवायरसेस क्या है? विच अंडरगो ठीक है, सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग। तो ये है क्या है, यहां पे ध्यान से सुनो, दीज आर, हम यहां पे कह सकते हैं इन डीएनए वायरसेस, ये है इन आरएनए वायरसेस, ये है इन सम आरएनए वायरस। ठीक है, कि रेट्रोवायरसेस वो जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया, डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आरएनए से डीएनए बनना, एंड दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन सम वायरसेस। नेक्स्ट एक और आ जाइए, बैक्टीरिया में तो हम कह नहीं सकते, बट जो एनिमल्स है उनमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स है। मेजर सिम्टम्स हम प्लांट्स की बात करते हैं, मेजर सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेस इन प्लांट्स, फर्स्ट है ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, छोटा सा रह जाता है प्लांट। सेकेंड है क्लोरोसिस और मोज़ेक लीव्स, इसमें क्या है बेटा, कहीं कहीं पे क्या हो जाते हैं, येलो पैचेस आ जाते हैं। दीज आर, बाकी सब ग्रीन है बट कहीं कहीं पे क्या है, येलो पैचेस, मोज़ेक मिक्सचर। ठीक है, क्लोरोसिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। देन थर्ड आ जाता है क्लियरिंग ऑफ वेन्स, वेन्स नजर ही नहीं आती लीव्स में, क्लियरिंग ऑफ वेन्स, वेन्स डीजेनरेट कर जाती है, वेन्स नजर नहीं आती। नेक्स्ट आ जाता है लीफ रोलिंग, लीफ ऐसे करके रोल कर गया, या फिर लीफ कर्लिंग, कहीं कहीं से यहां से मुड़ गया, यहां से मुड़ गया, कहीं से मुड़ गया। लीफ रोलिंग तो पूरा रोल हो गया, कर्लिंग कहीं से भी कर्ल हो गया। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स of viral diseases in plants. Viral diseases थोड़ा सा लिख लो, one is tobacco mosaic disease,
another is potato leaf roll disease. Potato leaf roll disease. Another is banana curl leaf disease. Banana curl leaf disease. Okay. So these are some of the viral diseases. Next aa jata hai beta viroids. So what are viroids? These are innate infectious RNA particles. Which do not have any capsid. और हम यहाँ पे कह सकते हैं the viruses without any proteinaceous coat are called as viroids. फटाफट से. और ये discovered by Diener, Diener. एक मेन डिजीज है कॉजेस पीएसटीडी. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और ट्यूबर वायरॉइड. ये एक कॉमन है पीएसटीडी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड. जल्दी से ठीक है जी. और Done. बस एक पॉइंट और लिख लो. दे मेनली इन्फेक्ट इन्फेक्ट प्लांट्स. अभी तक कोई ऐसा वायरॉइड नहीं नजर आया जो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करे. और ये पॉइंट मैं लिखवा देती हूँ समझ में तुम्हें प्लस टू में आएगा. डू नॉट हैव प्रोटीन कोट एज दे लैक इनिशिएशन कोड. ये रेड पेन से बड़ा बड़ा लिख लेना ये समझ में तुम्हें क्योंकि अभी मैं नहीं समझा पाऊंगी कि इनिशिएशन कोडोन क्या है ना. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन प्लस टू. बट ये लिख लो बड़ा सा कि इनमें प्रोटीन्स इसलिए नहीं होते बिकॉज दे लैक इनिशिएशन कोडोन. एंड लास्ट इज प्रायोन. लास्ट आ जाता है बेटा प्रायोन्स. स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स. दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. अगर वायरस में से न्यूक्लिक एसिड निकाल दिया जाए तो प्रोटीन्स आ जाएंगे. बट दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. वायरसेस के प्रोटीन्स इन्फेक्टिव नहीं है बट ये इन्फेक्शियस है. ठीक है. कॉज डिजीज सच एज मैड काउ डिजीज इन कैटल.
कुरु डिजीज इन ह्यूमन. दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू टिक्स माइट्स एटसेट्रा. These are prions. Mad cow disease ko beta bovine spongiform एनसेफेलोपैथी हम कहते हैं ब्रेन में सूजन आ जाती है. बीएसई बोवाइन स्पोंगीफॉर्म एनसेफेलोपैथी जिसको हम मैड काउ डिजीज या बीएसई भी कहते हैं. कुरु डिजीज को क्या बोलते हैं? सीआर जैकब डिजीज ऑल्सो कॉल्ड एज सीआर जैकब डिजीज. सीजेडी सीआर जैकब डिजीज दैट इज सी जे डी. दोनों जो है वो ब्रेन के डिजीज है ये भी और ये भी. तो यहां पे लिख लो प्रायोन्स मेनली कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. प्रायोन्स mainly cause neurological disorders. यहां पे CR का क्या मतलब है? CR की फुल फॉर्म है CRUEZ. क्रूज फॉर्म जैकब डिजीज. इट इज क्रूज फॉर्म और इसको कई बार हम क्रूज फेल्ट भी कह देते हैं. सी आर यू ई जेड ई एफ ई एल टी एफ ई एल डी टी क्रूज फेल्ट जैकब डिजीज या सीआर जैकब डिजीज. दोनों डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है नर्वस सिस्टम के. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वायरसेस. I think we had discussed 10 questions. Ke nahi? Ma'am, 7th pe the. 7th pe the. Mark the correct statement. Yehi tha? Mosses and ferns are the pioneer colonizers of barren rocks. Ye galat hai. Sphagnum moss is used as packing material. Ye theek hai. Theek hai? So, option B is correct. हाँ जी ये बताइए जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं किसमें मिलते हैं? किनको उनको जेमी कप्स बोलते हैं? किसमें है जल्दी से बताओ शिवांशी.
जेमी कप्स कहाँ पर है? मार्केशिया. यस मार्केशिया, एट सी. नेक्स्ट है जी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल हैबिटेट्स, क्यों? सीरत, हाँ जी. क्या आएगा इसका आंसर बेटा? क्योंकि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट्स है वो सिर्फ डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में रहते हैं एंड रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये इनकी डाइवर्सिटी नहीं है, ये कुछ एरियाज में ही रिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है, क्योंकि इनके गैमेटोफाइट्स की एक स्पेसिफिक हैबिटेट में डैम्प एंड शेडी प्लेसेस या मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ही रहते हैं, इसलिए इनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सिमिलैरिटी इन द गैमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज दैट दे बोथ आर हरगुन. बेटा थैलॉइड तो चलो जो है, बोथ आर, एक और चीज आ जाती है कि क्योंकि कुछ के, अगर हम ब्रायोफाइट्स के करें तो कुछ के गैमेटोफाइट थैलॉइड नहीं है, लीफी भी है, बट सभी के सभी गैमेटोफाइट्स क्या है, अभी हमने ऊपर किया है, दे आर शायोफिटिक. शायोफिटिक मतलब 10th का ए ऑप्शन, शायोफिटिक मींस लिव्स इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. फ्यू करेक्टर्स ऑफ ए प्लांट ग्रुप इज गिवन बिलो. लैक एंड थ्री डिया बट हैज आर्किगोनिया, इससे ही पता चलेगा. कौन बताएगा, शिवांशी या सरगम? शिवांशी ने बता दिया सरगम. कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें एंथ्रीडिया नहीं है, आर्किगोनिया है? टेरिडोफाइट. हाँ टेरिडोफाइट्स में तो एंथ्रीडिया भी है बेटा. जिम्नोस्पॉर्म्स, जिम्नोस्पॉर्म्स. सो आंसर इज ए. इन जिम्नोस्पर्म द अडेप्टेशन टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर हाई विंड, क्या है इसमें? यस कौन बताएगा? अर्नव, यस टेल मी. जल्दी से आता है या नहीं आता अर्नव, जल्दी से. गुंजन आप बताओ. अतिभा, यू टेल मी. डी ऑप्शन, डेल्टा, ऑल द अबव, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट है, इन हेटरोस्पोरस प्लांट्स द मेल गैमेटोफाइट इज, यस लिब्रेट हो जाती है कि स्पोरोफाइट पे ही रहती है बहुत टाइम तक? जल्दी से बताओ, कौन बता रहा है? हरगुन, मेल गैमेटोफाइट इज लिबरेटेड. मेल गैमेटोफाइट हेटरोस्पोरस प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट क्या? पोलन ग्रेन है बेटा. अगर फीमेल गैमेटोफाइट होता तो रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम. लिखते चलो अपने की 13th पे कि भाई अगर फीमेल गैमेटोफाइट होता तो ऑप्शन ए, मेल गैमेटोफाइट है तो ऑप्शन बी. Which of the following events are the precursor to seed habit in gametophyte in evolution? Which of the following events? Yes, answer is C. Note करते चलो. Heterospory, ये दो ही events है. एक heterospory formation of two type of spores, दूसरा है retaining of female gametophyte on parent sporophyte. So answer is C, both A and B. मैच द फॉलोइंग, ये देखिए हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक. ऑप्शन ए में जाइगोटिक मियोसिस, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है कि नहीं? जिसको पता है वो फटाफट से आंसर दो बेटा. जाइगोटिक मियोसिस, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, करेक्ट और इनकरेक्ट? हरगोन, सरगन, हाँ जी करेक्ट है ये बेटा. गैमेटिक मियोसिस, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, करेक्ट और इनकरेक्ट?
करेक्ट है. स्पोरिक मियोसिस, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, करेक्ट और इनकरेक्ट? ये भी करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जाइगोटिक मियोसिस इसमें, गेमेटिक इसमें, स्पोरिक इसमें. आई थिंक करेक्ट ही पूछा गया था, ठीक है ना? सो आंसर ए इज करेक्ट. बी में क्या गड़बड़ है कि जाइगोटिक मियोसिस, वॉल्वॉक्स एंड रेड एल्गी, स्पोरिक मियोसिस, ये नहीं है ना ठीक. वॉल्वॉक्स में नहीं है, वॉल्वॉक्स में रेड एल्गी में डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है. हेप्लोडिप्लोंटिक एल्गी इज, हाँ जी, इट इज एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, बीटा. हेप्लोडिप्लोंटिक 16 का बीटा. क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज ऑफ मॉसेस, जल्दी से बताओ. क्रोटोनीमा. क्रोटोनीमा, आंसर बी 17 बीटा. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड इन मॉसेस इज, यस, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन मतलब कि जो है ए सेक्सुअल स्पोर्स, फिर ओओगैमी. यस, जल्दी से बोलो. इट इज स्पोरुलेशन, क्योंकि इसमें ए सेक्सुअल, जूओस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, ये नहीं बनते मॉसेस में. 18 सी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोबाइलस, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, पाइनस. ये तीनों में बनते हैं बेटा कोन. सो आंसर इज डेल्टा. द प्लांट्स विच बियर इनकॉन्स्पिकुअस मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, हाँ जी, देखो इनकॉन्स्पिकुअस, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिकुअस नहीं है. मल्टी सेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है, मतलब ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है. सो आंसर इज सी, फर्न्स. फर्न्स का स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस है ऑल्दो इंडिपेंडेंट. 20th सी. हाँ जी, ये किसका डायग्राम है बेटा, फटाफट से? जल्दी से, अतिभार सरगम. इट इज ए बेटा, थैलस ऑफ मार्केंशिया. ये मार्केंशिया का है. यहाँ पे देखो ये दो क्या है, जीमा कप्स है ये, ठीक है. इट इज थैलस ऑफ मार्केंशिया. ये एंथ्रीडियोफोर, ये जेमा कप्स. इनमें से चारों में से कौन सी एक्वेटिक फर्न है, कौन बता रहा है? ए बी सी डी. ए है बेटा, हाँ बोलो हरगुन. ए जो है वो है सेलेजिनेला, बी है इक्विसिटम, सी है फर्न और डी है साल्विनिया. सो आंसर डी इज करेक्ट, साल्विनिया इज करेक्ट. ओओगैमी इज ए टिपिकल कैरेक्टर इन, इट इज बोथ ए एंड बी, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, दोनों में ओओगैमी है. फीमेल गैमेट लार्ज है, मेल गैमेट स्मॉल है. एगर, एल्जिन, केराजेनिन हैव फॉलोइंग इन कॉमन, हैव वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गल, दे आर यूज एज जेलेटिन एंड ऑल द अबव. आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि दोनों के दो या तीनों जो है एल्गल सेल वॉल से बनते हैं और दे हैव वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है, एक मिनट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी शिवांशी मैम, 22 और 23 का क्या आंसर है? ठीक है, मैं बताती हूँ, एक मिनट जरा. चलो मेरी फोटो तो नहीं आ रही है बेटा, चलो पर फिर भी हम कर ले, है ना? हाँ जी, आप कह रहे थे 22 एंड 23. 22 का बेटा डेल्टा एंड 23 का डेल्टा, 24 का भी डेल्टा, 25 that can easily grow on lower strata of the sea, है ना, जो सबसे नीचे. इट इज रेड एल्गी, और यहाँ पे लिख लेना रेड एल्गी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिली प्रोटीन.
नेक्स्ट है वॉटर इज रिक्वायरमेंट, वॉटर इज द रिक्वायरमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जल्दी से बताओ क्या है ये. इट इज वॉटर किसमें चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, बोलो बेटा. एएनसी, बोथ ए एंड सी, वेरी गुड. डिफरेंस इन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस इज इन देयर. हाँ जी, किसमें है? बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चर, लिवरवर्ट्स थैलॉइड है, मॉसेस थैलॉइड भी हो सकते हैं और लीफी भी हो सकते हैं. मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स आर फर्स्ट टू. हाँ जी, कॉलोनाइज बैरन. यस, कॉलोनाइज ए बैरन रॉक, बिल्कुल ठीक है. इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस व्हाट इज प्रोटोनिमा? हाँ जी, क्या है? जो इट इज ए स्टेज दैट डेवलप्स फ्रॉम ए स्पोर, बीटा, 29th बीटा. हाउ इज द स्पोरोफाइट इन मॉस मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स? यस, जल्दी से. ये बेटा आंसर जो है इसका है आंसर बी एंड सी, क्योंकि जो मैंने तुम्हें लिखवाया भी हुआ है कि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, जबकि लिवरवर्ट में टोटल पैरासाइट है, नॉन ग्रीन है. सो आंसर बी एंड सी. 30th, जीरोफिटिक अडेप्टेशन इज कॉमन इन, जल्दी से बोलो ये अभी किया है. शिवांशी, अर्नव, जीरोफिटिक का मतलब होता है वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस. प्रतिभा, सरगम, हरगुन, मैम सी ऑप्शन. सी ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म्स, बिल्कुल ठीक है. विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बोलो जल्दी से. बीटा, एम्ब्रियो सैक नहीं बनती है बेटा, एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म्स में बनती है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं बनती है. नेक्स्ट है जी, डायोशियस, डायोशियस का मतलब अपनी कॉपी में लिख लो, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल. कौन सा प्लांट है, जल्दी से बोलो. साइकस. साइकस, ठीक है, वेरी गुड, साइकस. मैच द कॉलम. पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस का मतलब फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, इसका आंसर है ईकोलाई. लिविंग फॉसिल, जिंगो, राइजोफोर, ये भी आपको पता नहीं है बट सेलेजिनेला, राइजोफोर होता है सेलेजिनेला में. ये बताइए स्मॉलर फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? बुल्फिया. बिल्कुल ठीक है. लार्जेस्ट पेरिनियल, पेरिनियल मीन्स विच ग्रो फॉर मेनी इयर्स, इट इज मैक्रोसिस्टिस. तो ए का कौन सा आ जाएगा? ये ना के आना चाहिए यहाँ पे, आई जे, देख लेना अपना थोड़ा सा कर लो. इट इज आई जे के. यार शायद ये नहीं, फिर अगर एम एन है ये तो फिर जे आएगा, जे के एल एम एन. सो ए इज एल, ए एल यही वाला होगा और तो कोई हो नहीं सकता. बी जे, बी का जे, सी एम डी, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, 34th ए. ये बताइए टॉप शेप्ड मल्टी सिलिएटेड मेल गैमेट, जल्दी से बताओ किसमें होते हैं सबसे मल्टी सिलिएटेड लार्जेस्ट मेल गैमेट्स, किसमें है? कॉनिफर्स. कॉनिफर्स नहीं बेटा, साइकैड, साइकस में है, इट इज साइकैड्स, जिम्नोस्पर्म्स. इनकरेक्ट करेक्टर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए एंड बी, नहीं क्लोरोफिल ए एंड सी आर प्रेजेंट.
रेजिन एंड टर्पेंटाइन, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन, डी पाइनस या पाइन. हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, इट इज मार्केशिया. जिम्नोस्पर्म में है हैप्लोडिप्लोंटिक, पाइनस, साइकस, पपाया, इन सब में डिप्लोंटिक है, मार्केशिया में हैप्लोडिप्लोंटिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, ब्रैकेट में अपनी कॉपी में लिख लो, क्रिप्टोगैम क्या है? नॉन सीड बियरिंग प्लांट. वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन सा बेटा इसमें? जल्दी से बोलो. वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है टेरिडोफाइट्स, और इसमें टेरिडोफाइट्स कौन सा? इक्विसिटर. 39th ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स लिख लो अपनी कॉपी में, दीज आर टेरिडोफाइट्स. बोलो बेटा 40 का आंसर बोलो. हम बी. बी नहीं बेटा, पहली बात तो बीटा की डेल्टा सरगम. मैम साइक साइकस में है, अगर आपने बीटा बोला है तो ठीक है. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इन साइकस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एक्टोकार्पस इज द फिलामेंटस. एक्टोकार्पस इज द फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, ये बेटा ठीक है. मैनिटोल इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये गलत है बेटा. मैनिटोल इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट है. हॉर्सटेल टेरिडोफाइट, अपनी कॉपी में लिख लो, हॉर्सटेल टेरिडोफाइट सच एज इक्विसिटर, इट इज हेट्रोस्पोरस. और फिर फोर्थ, ठीक है, रिटेनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑन स्पोरोफाइट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सो आंसर कौन सा ठीक है? 1 and 4 है कोई? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट. 41 में अपनी कॉपी में लिख लेना कि मैनिटोल क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है. हॉर्सटेल टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस है. Which of the following statements is wrong? जल्दी से बोलो. बेटा डी ऑप्शन, देखो मेल गैमेट्स ऑफ ब्राउन एल्गी या पिरीफॉर्म, ये तो ठीक है. एंड फ्लेजिलेटेड, मोटाइल है बेटा, नॉन मोटाइल नहीं है, इट इज फ्लेजिलेटेड. आंसर इज डेल्टा. डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी इज, हाँ जी बोलो जरा. हाँ बोल बेटा शिवांशी. ए जो है वो गलत है, क्योंकि ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उओगैमस कोई भी हो सकता है. कौन सा ठीक है शिवांशी? बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. जूओस्पोर्स ऑफ ग्रीन एल्गा हैव सिमिलर फ्लैजेला, होमोट्राइकस, होमोकॉन्टस, वेयर एज इन ब्राउन एल्गी दे हैव डिससिमिलर, दो टाइप के फ्लैजेला है. सी, सो आंसर इज बीटा. सी में क्या गलती है? ब्राउन एल्गी आर मेरीन. और डी में क्या गलती है? ग्रीन एल्गी स्टोर्स अमाइलोस स्टार्च, ब्राउन एल्गी स्टोर मैनिटोल. Right? So, option B is correct. Gregarious में झुंड में रहते हैं. So, answer is bryophytes. ये pioneer, lithophytic means succession on rocks. लिख लो, lithophytic succession means succession on rocks. तो ऐसा क्यों है? मॉसेस एंड लाइकम्स ही क्यों?
क्योंकि ए ऑप्शन ठीक है बेटा कि मॉसेस डीकम्पोजेस रॉक्स एंड हेल्प्स इन सोयल फॉर्मेशन, क्योंकि पहले सोयल बने उसके बाद तो प्रिवेंट करे सोयल इरोजन, तो ऑप्शन ए इज मोस्ट करेक्ट. लीफी लिवरवर्ट्स में नॉन वेस्कुलराइज्ड, आपको पता है लिवरवर्ट्स मॉसेस में वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती. नॉन वेस्कुलराइज्ड लीव्स अरेंज्ड इन टू रोज, ये मैंने आपको बताया था 46C. अब इसमें एक्वेटिक हेट्रोस्पोरस बताने हैं, आंसर इज साल्विनिया. पानी में भी होना चाहिए और हेट्रोस्पोरस भी, ठीक है. So it is Salvinia delta. Xerophytic characters, transpiration कम और absorption सबसे ज्यादा. So answer A is correct. Needle shaped leaves, sunken stomata and mycorrhizal roots. Mycorrhizal ताकि absorption ज्यादा से ज्यादा हो. Mom C. सी है निडल शेप थिक क्यूटिकल. अच्छा एक मिनट, सी सबसे ज्यादा करेक्ट है बेटा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड हरगुन. 48C. 49th नॉट ट्रू. It is A. Gymnosperms include herbs, shrubs, trees. नहीं ना, herbs नहीं होते, सिर्फ एक zemia को छोड़कर किसी gymnosperm में herbaceous plant नहीं है. 49A. A dominant independent gametophytic phase is represented by. हाँ जी, dominant किसमें? Algae and bryophytes. दोनों में gametophyte dominant है. Answer is C, 50C. The cryptogam, cryptogam means जिसमें seeds नहीं बनते, which bears spores enclosed in sporangia are. हाँ जी, किसमें है? Pteridophytes में है बेटा, आपको पता है sporangia, और फिर वो क्या इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? Sorus बनाते हैं, सोराई बनाते हैं, ठीक है. So answer is pteridophytes, which is incorrect for bryophytes. Vascular tissue absent, ठीक है. True roots absent, ठीक है. Sex organs jacketed, ये भी ठीक है. Antherozoids are biflagellated. 52. D option जो है वो incorrect statement है. Because antherozoids are biflagellated in bryophytes. ये तो 53 तो दोबारा से आ गया. हाँ जी क्या आ जाएगा? Anthridia and Archegonia, ये Prothallus के नीचे है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, सो दे कैन इजीली गेट वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. 54 डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? मेल गेमेटोफाइट. सी, ये तीनों तो है, तभी तो हम कहते हैं तीन जनरेशन है, पेरेंट स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, बट नॉट मेल गेमेटोफाइट. पढ़ो ये और बताओ जल्दी से. क्या आएगा इसका आंसर? फोक्ड मतलब ऐसे करके, मतलब जैसे कर्व्ड सा होता है थैलस, और आर्किगोनियम भी है. बताओ जल्दी से. यस अतिभा, शिवांशी, सरगम,
तीरथ मैम ब्रायोफाइट्स इट इज ब्रायोफाइट्स बिल्कुल ठीक है ब्रायोफाइट्स मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी इज रोडोफाइटा सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी क्लोरोफाइटा बेटा क्योंकि उसी से ही तो ग्रीन प्लांट्स आगे के बने हैं डेल्टा क्लोरोफाइटा बिकॉज दे गिव राइज टू हायर प्लांट्स ये भी बताइए Which of the following is true about the group of having an embryo stage and lacking vascular bundles? जल्दी से बताओ. सरगम. मैम ए. ए parasitic क्योंकि this is bryophyte. Bryophyte means sporophyte parasitic. Which of the following is true about group of organisms possesses fucosan vesicles? Fucosan vesicles किसमें होती है? Brown algae में है बेटा ये. हाँ जी शिवांशी क्या आएगा इसका आंसर इसका आंसर है बी रिजर्व फूड इज लेमिनेरियन स्टार्च भी कहते हैं मैनिटोल या लेमिनेरियन स्टार्च सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट हाँ जी अतिभा आप बताओ हाँ जी अतिभा आंसर सी है बेटा होमोस्पोरस प्लांट कैन प्रोड्यूस डायोशियस और मोनोशियस गैमेटोफाइट इन डिफरेंट स्पीशीज ऐसा नहीं है होमोस्पोरस प्लांट्स जो है वो क्या बनाते हैं बेटा दे फॉर्म मोनोशियस मतलब बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट ठीक है हेटरोस्पोरस प्लांट्स विल प्रोड्यूस डायोशियस यूनिसेक्सुअल माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट अगर स्पोर एक ही जैसा है तो एक ही गैमेटोफाइट बनेगा जिसमें दोनों M3DR आर्किगोनिया होंगी यस हरगुल नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी बिकॉज मॉम डी डेल्टा बेटा दो है दोनों है इट रिक्वायर्स वाटर एंड दे आर शायोफिटिक आंसर इज डेल्टा अगर आपने यही कहा है तो दिस इज करेक्ट Chiophytic means damp and moist places and dark places, shady places. Next, Shivanshi, which of the following lacks archegonia? हमने अभी किया था. नहीं अच्छा ये नहीं किया. यहाँ which of the following? It is neatum. C. याद रखना है. This is a gymnosperm which lacks archegonia. Neatum. हाँ जी सरगम 63 देखो प्रोटोनीमा के किसका पार्ट है प्रोटोनीमा इज ए गैमेटोफाइट और सीटा जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट अब बताओ मैम टेन दोबारा से देखो अच्छा इफ इट सीटा है बिल्कुल ठीक है आंसर 10 है सीटा में अगर 20 है स्पोरोफाइट तो प्रोटोनीमा में उससे आधे होंगे 10 क्रोमोसोम्स बिल्कुल ठीक नेक्स्ट शिवांशी 64 वाला आंसर डेल्टा है इसका आंसर डी है हाँ डी है बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है छोटे रहते हैं सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड है और वेंटर में एक ही वेंटर कैनाल सेल होता है ठीक है एंड लास्ट अतिभा कोर ऑफ पिरिनोइड इज फॉर्म मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोटीन बिल्कुल ठीक है पिरिनोइड का कोर जो है प्रोटीन से बना है और जो बाहर शीथ है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टार्च राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट टेस्ट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे और हम आगे का करेंगे बेटा नेक्स्ट हम एनिमेलिया ही शुरू करेंगे ओके नेक्स्ट टाइम एनिमेलिया वायरसेस से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एनिमेलिया करेंगे और टेस्ट भी डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी का मैंने आपको भेज दिया बेटा वो एक बार रिव्यू कर लेना जरूर ठीक है जी